नमस्कार दोस्तों, विकी इंडिया एक बार फिर स्वागत करता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे मगर सब कुछ नहीं जानते। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 243,290 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी स्थापना अंग्रेजी शासन के समय 1937 में की गई, मगर इसका नामकरण उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया। पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत के महत्वपूर्ण स्थानों में अपना स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे भारत में नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो उत्तर प्रदेश के पास आपके लिए बेहद खूबसूरत और खासम खास स्थान हैं, जिन्हें देखने के लिए विदेशों से आने वाले पर्यटकों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। भगवान कृष्ण और भगवान राम का जन्म स्थान, कथक नृत्य का उद्गम स्थल बनारस की पावन गंगा आरती, इलाहाबाद का मनोरम संगम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों का जन्म स्थान, लखनऊ के व्यंजनों का स्वाद, कनपुरिया मिजाज, बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश का स्थान, यह सब हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में ही होता है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप आने वाली कुछ बातें जानकर अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश ही पहला राज्य था जहाँ से आज़ादी के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई गई थी। उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर एक दिग्गज ने जन्म लिया, जिन्होंने हर तरह के क्षेत्र और हर तरह के काम में अपना लोहा मनवाया। फिर चाहे वो राजनीति हो, अभिनय हो, नृत्य हो, संगीत हो, या फिर चाहे स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया स्वतंत्रता संग्राम हो, तुलसीदास, वाल्मीकि, मुंशी प्रेमचंद, अकबर इलाहाबादी, अमीर खुसरो, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान तपस्वी और ज्ञानी लोगों ने उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिया, जिन्होंने साहित्य, कविताओं और सूफियाना में पूरे देश में अपना लोहा मनवाया है। चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई आदि ऐसे वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध में अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को तख्त निछावर कर दिया। ऐसे वीरों ने उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिया। दोस्तों, माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है? भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उत्तर प्रदेश से ही थे। यहाँ तक कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश के बनारस से चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने हैं, और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन करने वाला राज्य है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत की कुल जनसंख्या के एक तिहाई हिस्से को उत्तर प्रदेश ही रोटी खिलाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का भी सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी पार्क जैनेश्वर मिश्रा पार्क उत्तर प्रदेश में ही है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में ही एकत्रित हो जाती है, लगभग 1 करोड़। अगर आबादी के हिस्से से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन सकता है। उत्तर प्रदेश का पर्यटन भारत के 20 स्वतंत्रता राज्यों के पर्यटन से भी कहीं ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में 742 ऐतिहासिक स्मारकों के स्थान हैं। अगर आप एक दिन में 2 स्मारक देखते हैं तो भी पूरे स्मारक देखने में आपको 1 साल से ज़्यादा समय लगेगा। उत्तर प्रदेश में ही जन्मा कथक नृत्य आज पूरे संसार में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 266,361 है, जो भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश ने भारत के
दूसरे बड़े राज्य के रूप में स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्रोत कृषि और सेवा रोज हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को काफी पुराना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका आरंभ पाषाण युग से हुआ था। उत्तर प्रदेश की जमीन पर मुगल शासकों द्वारा कई ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण कराया गया था जिनका नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उत्तर प्रदेश में सारे त्योहार शांति और खुशहाल के साथ मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार, अयोध्या में दीपावली का त्यौहार और पूरे उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही उत्साह व उल्लास के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में होली एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाई जाती है, जिससे देश विदेश से हजारों लोग शामिल होने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चूड़ी, कन्नौज में इत्र, आगरा में चमड़े का व्यापार भी बड़ी मात्रा में होता है। आगरा में शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल अपने आप में ही एक अनूठी कलात्मक आकृति है, जिसे विश्व के अजूबों में शामिल किया गया है। संगीत और वाद्य यंत्र का विकास भी इस राज में बृहद स्तर पर हुआ है। अकबर के दरबारी तानसेन और बैजू बावरा ने संगीत को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया है। तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्र का विकास भी इसी राज में किया गया। भारत सरकार द्वारा लिया गया 3 शेरों वाला चिन्ह भी चंद्रगुप्त द्वारा बनारस के पास सारनाथ में स्थापित करवाया, जिसे 1947 के बाद भारत सरकार ने अपने चिन्ह के रूप में अपना लिया। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल से किसी नए राज्य या उत्तर प्रदेश के किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल विकी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।